गिरिडीह के चाताड़ी स्थित मातृत्व शिशु केंद्र में फिर से एक बच्चे की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा। देवरी की रहने वाली प्रेमलता देवी की बड़ी पुत्री ने देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बच्चे को जन्म दिया था, जहां अस्पताल प्रबंधन ने बच्चे का वजन कम होने का हवाला देकर माँ और बच्चे को चाताड़ी मातृत्व शिशु केंद्र में रेफर कर दिया। पाया गया कि शिशु का इलाज चाताड़ी मातृत्व शिशु केंद्र में चल रहा था, लेकिन दो दिनों के बाद बच्चे को परिजनों से अलग रखा गया, साथ ही उसे देखने भी नहीं दिया जा रहा था। काफी इंतजार के बाद हेमलता देवी किसी तरह अपने बच्चे के पास चली गई, जहां उसने देखा कि शिशु का रंग सफेद पड़ चुका था और शरीर काफी कड़ा हो गया था, जिससे उसे समझते देर ना लगी कि बच्चे की मौत हो चुकी है। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। नर्सिंग स्टाफ नीलम कुमारी का कहना है कि यह आरोप बिल्कुल गलत है। बच्चे का वजन काफी कम था, जिससे शरीर में इन्फेक्शन का अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा था। इस बच्चे को कब क्या हुआ, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। इसे अनमोल क्या था, पोती से अनमोल क्या होता, पोती से अनमोल कोई चीज नहीं होता, पोती से अनमोल कोई चीज नहीं होता। हम उसको तारापीठ मांगने गए थे, लेकिन आज गौरव के कारण मेरा बच्चा मर गया। मेरा तो दौलत छीन लिया भैया, मेरा तो जान छीन लिया। अब हम चिंता लेके क्या करेंगे, मेरा तो जान छीन लिया, मेरा दौलत ले गया। पढ़ी लिखी हो के अनपढ़ क्यों बात करती है, बोले हम मास्क लगा के आएंगे, पूरा सैनिटाइजर करके आएंगे, हमको बेबी थोड़ा सा देखने दीजिए। डॉक्टर बोले नहीं देखने देंगे, जाओ। और डॉक्टर हमको बाहर कर दिया, डॉक्टर नहीं देखने दिया। नाम नहीं जानते हैं, लेकिन डॉक्टर यहाँ जानते हैं, डॉक्टर जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मुस्कान कुमारी यादव। देवी सीएचसी में बचा हुआ भैया, वहाँ से ला के सब बोला देवरी वाला को कि स्टाफ है तो चेता डी ले जाओ, लाए यहाँ हम सबको चीने। मेरे स्टाफ को बोला हाँ सर मैं ये बच्चा एडमिट करना, तुरंत एडमिट कर दिया बच्चा। ठीक है जो खर्चा लगेगा हम खर्चा देंगे, वो ठीक है कुछ तो देना पड़ेगा। यही कह के भैया हम एडमिट करवा दिए, बच्चा एडमिट हो गया। हम बोले जो बाहर से दवा लिखिएगा हम सब ला देंगे, और बच्चा कहीं कैसे करेगा तो आपको हमको बताइएगा, हम बच्चा बाहर ले जाएंगे। बोले बच्चा तो रो रहा है, बच्चा तो ठीक है, आपका कोई दिक्कत नहीं है, जाइए आराम से बैठ जाइए। भैया बच्चा हमको रविवार तक मिलने दिया 10 बजे तक, 11 बजे के बाद संडे से हमको बच्चा को मिलने नहीं दिया। हम बोल रहे हैं आप लोग दूध 1 घंटा मांगते हैं, दूध क्या करते हैं, हम लोग भी देखेंगे कि किस तरह बच्चा आपका स्टाफ है। डॉक्टर और वहाँ का जो नर्स उर्स जो है सिस्टर लोग हम लोग को धमका के भगा देता था, आप स्टाफ हैं आप नहीं समझ सकते कि इन्फेक्शन हो जाता है। सो हम बोले ठीक है ऐसा बात है तो हमने जाते आप लोग थोड़ा बताइएगा, बच्चा को हम बाहर ले चल जाएंगे, बुखार हो ले चल जाएंगे। बोला ठीक है। बच्चा को आप कब एडमिट कराया थे? क्या नाम है पेशेंट का? पेशेंट कौन है? पेशेंट का अंजू कुमारी। कौन लगती है? मेरी बड़ी की बेटी लगती है। आज मेरा दामाद आए। डिलीवरी कब हुआ था? डिलीवरी शुक्र 11:15 बजे। कहाँ पर हुआ था? देवरी सीएचसी में। तो वहाँ से रेफर यहाँ क्यों किया था? रेफर किया था, बच्चा थोड़ा सा बोला कि वजन कम है, वार्मन में रखेगा बच्चा वजन बढ़ जाएगा। हम बोले भैया बच्चा तो रो रहा है, यहाँ तो ले जाएगी ना? बोले हाँ भैया ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम ले तो यहाँ आप लोग कब बच्चा को भर्ती कराए थे? शुक्रवार को भर्ती कराए, कीमत लेके आगे चला। शुक्रवार को कितने बजे? 2 से 2:30 बजे 3 बजे तक हम भर्ती किए हैं, दोपहर में। उसके बाद आप लोग कभी देखे हैं बच्चा को? हाँ। कब देखे लास्ट? लास्ट बच्चा को हम देखे एतवार को देखे, उसका पप्पा देखे बच्चा का। उस समय ठीक था बच्चा? उस समय बच्चा ठीक था, ऑक्सीजन लगा हुआ था, बोला बच्चा ठीक है। तो आज कैसे हुआ है? बच्चा कल संडे था, संडे का ऑक्सीजन 1 बजे ये लोग खोल दिया, बोला कि बच्चा को ऑक्सीजन खोल दिए हैं, बच्चा आपका ठीक है, बच्चा हो सके तो 1-2 दिन में आपका छुट्टी दे देंगे। सो दूध ला के दीजिए। तो कितना कितना क्रीम देंगे? बोला 1 घंटा ला के दीजिए। 1 घंटा हम बेटी को दूध गार गार के और कटोरी में करके देने लगे। हम बोले कम से कम बच्चा देखने दीजिए। बोला नहीं बच्चा देखने नहीं देंगे। जब लास्ट में अभी हम गए, बोले आप लोग हमको कल ही से नहीं, सब स्टाफ को बोले नहीं देखने दे रहा, नहीं देखने दे रहा, स्टाफ कोई नहीं कार्रवाई कर रहा। तब आज लास्ट में हम बोले, अब बच्चा का बेटी मेरी बोली मम्मी दूध दिए ना तो दूध उधर ले जा रहा। बोले किधर? हम देखे कि उधर लेके जा रहा बच्चा मेरा, इधर दूध उधर काहे ले जा रहा। जब हम जबरदस्ती दोनों माँ बेटी गेट ठेल के अंदर गए भैया, तब देखे बच्चा मर के टाइट हो गया। तब हम सिस्टर लोग को बोले कि तुम लोग क्या कर रही हो, बच्चा मेरा मर गया है तो तुम कैसे जानती हो? हम बोले बच्चा मेरा टाइट हो गया है, बच्चा मेरा सादा हो गया, क्योंकि लेबर रूम में हम ड्यूटी करते हैं तो बच्चा का हम धड़कन जानते हैं, बच्चा का धड़कन देखते हैं, कम से कम आँख से तो देखते हैं। बच्चा गुलाबी होना चाहिए, बच्चा पूरा व्हाइट हो गया, बच्चा टाइट हो गया, बच्चा कैसे टाइट हो गया?
अभी बताइए। तो एक बोलती है कि नहीं अभी हम तो हम बच्चा को पेट बदले हैं, बच्चा ठीक है। बोला आप लोग झूठ बोल रहे हैं, बच्चा मेरा मर गया है। आपका क्या नाम है, आप क्या काम? मेरा नाम प्रेम लता देवी है। क्या काम करते हैं? गिरहीडी देवरी CHE में लेबर रूम में हम बच्चा का पोछा झाड़ू मतलब बच्चा का वजन यही सब लेबर रूम में। क्या आपको लगता है किसकी लापरवाही है? लापरवाही डॉक्टर और वहाँ जो सिस्टर लोग है दोनों का। कौन डॉक्टर इलाज कर रहे थे यहाँ? डॉक्टर को हम नाम तो नहीं जानते हैं, पहचान सकते हैं क्योंकि डॉक्टर बोले कि जाओ आज 2 बजे मेरी बेटी बोल रहा तुम अनपढ़ हो, तुम अंदर मेरा दमाद आया घुसने दीजिए सर, भागो यहाँ से। क्या नाम है आपका दमाद का? मेरा दमाद का नाम है संजीत कुमार यादव। क्या काम करते हो? ट्रांसपोर्ट चलाते हैं। कहाँ पर रहते हैं? रेडी पवन टोली में ड्यूटी करते हैं, बच्चा को उनको नहीं देखने दिया। 3 बजे ड्यूटी में आए तो देखे कि बच्चा का हाथ थोड़ा सा कैंडूला लगा हुआ है, फूला हुआ है, उसको हटा के हम दूसरा जगह कैंडूला लगाए, उसका पानी क्लियर मुझे नहीं चल रहा था तो उसको फिर चलाए और उसके बाद थोड़ा देर बच्चा ठीक रहा, अचानक से बच्चे का नाक में से पानी आने लगा, इसीलिए बच्चा अचानक से। कौन डॉक्टर देखे थे? समय नहीं मिला। डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर सुमित कुमार थे। सुमित कुमार सुमित बच्चा है इसलिए रेफर नहीं कीजिएगा, रख लीजिए। तो हम लोग रख लिए और जबकि हम लोग को 1200 ग्राम से कम तो बच्चा रखने का आदेश नहीं है, अपना हम लोग समझ के और अच्छा ट्रीटमेंट किए तो और गड़बड़ हो गया। ये कितना ग्राम बच्चा? बच्चा 1.19 1100 ग्राम। मतलब परेशानी क्या हुआ था? देखिए बच्चा कमजोर रहता है ना तो पूरा उसका फंक्शन बनता नहीं ठीक से, उस बच्चे का कब क्या हुआ करना मुश्किल है, उसका बॉडी पूरा हार्ड हो गया था। अभी हम 3 बजे आए तो देखिए बॉडी पूरा हार्ड है और उसके बाद आपका नाम क्यों? तो आरोप लग रहा है कि दूध मंगाया जा रहा था बच्चे को पिलाने के लिए और दूध कहीं और भेजा जा रहा था। नहीं नहीं ये गलत आरोप है, गलत आरोप है। क्या है?